अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हैं। तो फ्रेंड्स, कल हमने यहाँ तक लेक्चर को अपने कंप्लीट किया था, आज इससे आगे कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये लोडिंग के ही पेज को यहाँ से ले जाके अपना सब मैं टेक्स्ट फ्री के अंदर कर देता हूँ जी, पेस्ट। ठीक है, अभी नहीं आया इसमें, यहाँ से लोडिंग का पेज उठाते हैं, इसमें कर देते हैं पेस्ट, इसकी स्क्रीन करते हैं थोड़ी सी छोटी। बॉडी के टैग के अंदर आते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं कहता हूँ ऑन लोड, ठीक है जी, ASD 3 को कर देता हूँ मैं, या 2 करने या 1 करने को मैं सुना नहीं, आपने एक नाम रखना है रखने। तो टाइटल के बाद यहाँ पे आते हैं, पेस्ट करते हैं स्क्रिप्ट को, ठीक। इसको यहाँ से यहाँ तक करते हैं बिल्कुल रेस, यहाँ पे इसको करते हैं जी एक्स इज इक्वल टू करते हैं हम 11 के, ठीक है। 10 से हमें चलाना है इसलिए, और फिर करते हैं कि इसमें फंक्शन है ना, जो इस पर एक फंक्शन वो किसके ऊपर हो, ASD1 हमने बोला ना अभी बॉडी के अंदर, चलेंगे ASD1 ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, और फंक्शन को हमेशा प्रेफर करते हैं हम इस वाली ब्रैकेट के अंदर। तो मैं कहता हूँ एक्स माइनस माइनस इज इक्वल टू, ठीक है। देखें अभी कुछ हुआ, अभी तक कुछ नहीं, एक्स माइनस माइनस मैंने बोला इज इक्वल टू है इस, सॉरी माइनस माइनस है, और फिर मैं कहता हूँ स्टार को मैच DOC, डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉट गेट रेडी बाय ID, ID का I हमेशा बड़ा लगाना है, ठीक है। इसके अंदर आप लिखेंगे, चलेंगे मैं लगाता हूँ चेंज, ये चेंज है कौन सा, ये वाली जो हमने यहाँ पे ID दी है ना, ये वाली, सॉरी ये वाली, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया इसको चेंज, ठीक है। और मैं कहता हूँ चेंज की ID पे वर्क हो कब, जब इनर HTML जो हो वो इज इक्वल टू हो जाए बिल्कुल एक्स के, ठीक है। फिर इस पर एक वर्क हो, लेकिन इसका एक सेट टाइम, इसका एक सेट टाइम आउट करते हैं, और वो होना कितना चाहिए, बेसिकली मैं कहता हूँ ASD जो 1 है ना, इसका जो इस पर वर्क हो रहा है टाइम इसका हो, वो होना चाहिए 1000, ठीक है। ये 1000 इज इक्वल टू होता है 1 सेकेंड के, अभी देखते हैं वर्क हो रहा है, ये देखिए ये इसमें स्टार्ट शुरू हो चुका है, 7 6 5 3 2 1 0। इसके बाद यहाँ पे अभी तक कुछ भी नहीं आ रहा है, ये सिर्फ माइनस में ही चलता जा रहा है। मैं चाहता था ये 10 के फौरन बाद यहाँ पे क्या हो जी, एक डाउनलोड का ऑप्शन आए, तो ऑप्शन आए क्या, अब हम उसी को यहाँ से मैंशन करने जा रहे हैं। मैं अब कहता हूँ जी क्या, इफ अगर x बराबर है 0 के, जब ये हो जाए 0 के बराबर, तो इसके अंदर हम एक क्या कहते हैं कि माइनस माइनस, पहले x माइनस माइनस लगाया, अब मैं बोलूँगा माइनस माइनस x जो है ना वो डॉक्यूमेंट document.write होना चाहिए, लेकिन वो किसके ऊपर, अब ये चीज़ है जी इसके अंदर हमने समझने वाली, ठीक है। अब मैंने ये बार इसमें स्पेस तो दे दी है, स्पेस ना ही दें तो कोई मसला नहीं, इसमें मैं कहता हूँ एक टैग स्टार्ट करते हैं, और टैग क्लोज भी हम लोगों ने लाजमी करना है, ऐसे वर्क नहीं होगा कि टैग स्टार्ट कर लिया और टैग को क्लोज बिल्कुल नहीं किया, ठीक है। पहले तो मैं कहता हूँ कि H1 है ना जो इसका एलिजन भी इसका लगा देते हैं बिल्कुल सेंटर के अंदर, ठीक है। लेकिन इसके गिर्द एक ब्रैकेट हमें ये लाजमी लगानी है, ये हो गया। फिर मैं इसकी एक ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ, ए को कहता हूँ HREF, हाइपर रेफरेंस देता हूँ, और फिर मैं इसको भी ये कहता हूँ जी क्या चीज़, इसके अंदर भी एक होनी चाहिए कुछ जो चीज़ डाउनलोड करनी, मैंने ये डाउनलोड करना है जी जावास या फॉन्ट को, अब हमें FONT फॉन्ट को करना है, तो इसके अंदर मैं लिखूँगा FONT.html कि इस पे जाके पहले वो क्लिक हो, क्लिक जैसे ही हो उसके बाद क्या हो जी डाउनलोड हो, फिर मैं इसको एक लोड का भी ऑप्शन देता हूँ,
और फिर मैं यहाँ पे इसको ब्रैकेट करता हूँ कि डाउनलोड हो क्या। बेसिकली मैं कहता हूँ डाउनलोड हो यही font.html के फॉन्ट html ही डाउनलोड हो। ठीक है, ये तो हो गया हमारा यहाँ तक। ये ले, ये अब h1 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे कहना जी यूवर फाइल हेयर, अब ये लिखा सामने आएगा यूवर फाइल हेयर, लेकिन अब मैंने करना क्या, यहाँ से सबसे पहले हमने करना जी h1 को क्लोज, फिर हमने करना h1 को, फिर करना है हमने a को क्लोज। अब ये कर दिया हमने इसको क्लोज, और उसके बाद यहाँ पे आप करते हैं जी ब्रैकेट खत्म। अब आएंगे दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं और देखते हैं हमारा टाइम चल रहा है 5 4 3 2 1 0 और लिखा आ गया योर फाइल इज हियर। जैसे मैंने इस पर क्लिक करना है तो हमने ये देखें फोन साइज पे पहुंच गया जिस पे हमने कल लास्ट टाइम काम किया था। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, उम्मीद करता हूँ ये आपको लेक्चर समझ भी आया होगा, पसंद भी आएगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।